ग्वालियर से जहां राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है, गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शस्त्र पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाआर्यमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महाआर्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं तस्वीर जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन युवराज महाआर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, हर कोई शस्त्र पूजा करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में विजयदशमी के त्योहार की धूम है। दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ इलाकों में आज के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां शस्त्र पूजन किया जा रहा है। इसमें भोपाल, सतना, ग्वालियर, शाजापुर भी शामिल है, मंदसौर भी है। यहाँ पर देखिए कि विजयदशमी पर कैसे शस्त्र पूजन का जो आयोजन है वो चल रहा है और हथियार की जो पूजा है वो किए जा रहे हैं। हालांकि जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि शस्त्र और शास्त्रों का जो पूरा संगम है और जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूजा होनी चाहिए हर एक चीज़ की। और इसलिए यहाँ पर आज के दिन, दशहरा के दिन, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है, तो जितने भी शस्त्र हैं उनकी पूजा की जा रही है।